Okay. Good morning to all. I would like to start today's lecture. In the previous lecture, I have corrected the reactions of pterylene. Kindly make correction in that slide. The preparation of pterylene, it is a copolymer of ethylene glycol and terephthalic acid. In the previous slide, the formula of terephthalic acid was wrongly printed, now corrected, and it is COH and COH with the benzene ring. After this, we'll start for the new topics. Today we'll discuss first conducting polymers. The conducting polymers are the emerging polymers which will be used in future abundantly. Researches are going on still over the conducting polymers. Now, what are the conducting polymers? A polymer which can conduct electricity is known as conducting polymer. Means, aisa koi polymer jo conductivity, electrical conductivity show kare, wo conducting polymer hai. Polymers that conduct electricity called conducting polymer. The examples are polyaniline, polypyrrole, polythiophene, and polyacetylene. These are the few examples. As I have told earlier, it is under the research. So the number may increase time to time. In general, polymers have very poor electrical conductivity. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नॉर्मली पॉलीमर में कंडक्टिविटी नहीं होती. दे आर वर्किंग एज इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर, यानी ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते सामान्य तौर पे. लेकिन अब कुछ ऐसे पॉलीमर्स बनाए जा रहे हैं जो कि कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं. ऐसे पॉलीमर्स को कंडक्टिंग पॉलीमर्स कहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स, अगर हम पॉलीमर्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करें, देन कंडक्टिंग पॉलीमर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. एक वो जो खुद के बाय वर्चू ऑफ देयर ओन स्ट्रक्चर यानी इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, और दूसरे वो जो कि पॉलीमर के साथ कुछ मिक्स कर या उनमें कुछ मिलाकर बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स एंड एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स. इन एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स देयर आर थ्री टाइप्स. वन, डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स. सेकेंड, कंडक्टिंग एलिमेंट्स फील्ड पॉलीमर्स. इट मीन्स ऐसे कंडक्टिंग पॉलीमर्स बनाए जाएं जिनमें कि कुछ कंडक्टिविटी जो शो करते हैं एलिमेंट्स उनको मिलाया जाए. और थर्ड, ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर्स. इट मीन्स दो, कम से कम दो ऐसे पॉलीमर्स को मिलाया जाए जिससे उनमें कंडक्टिविटी आ जाए. सो ब्रॉडली द कंडक्टिंग पॉलीमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स, आर एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स, कंडक्टिव एलिमेंट फील्ड पॉलीमर्स एंड ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर्स. नाउ लेट अस डिस्कस द इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स. दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स हैव ए डेफिनेट बैकबोन
made up of extensive conjugated system which is responsible for conductance. ऐसे पॉलीमर्स जिसमें कि उनके स्ट्रक्चर बैकबोन यानी उनके कार्बन चेन में कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन यानी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे पॉलीमर्स कंडक्टिंग पॉलीमर की तरह बिहेव करते हैं. दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स कंटेन्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आर रेजिड्यूअल चार्जेस एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैकबोन. यानी अगर हम ऐसे पॉलीमर्स को देखें तो या तो इनमें एक लंबे समय तक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर दिखाई देता है या उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जैसे कि थायोफिन में पायरोल में रेजिड्यूअल चार्ज होता है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलीएनिलीन पॉलीपायरोल पॉलीथायोफिन एक्सेट्रा. नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ दीज पॉलीमर्स. फर्स्ट पॉलीएसिटिलीन. एसिटिलीन इज द मोनोमर ऑफ दिस पॉलीमर. एसिटिलीन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH. व्हेन दिस मोनोमर पॉलीमराइजेस इट गिव्स एक्सटेंसिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर. सो वंस ए पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड एट वन एंड इट विल बी पास्ड टू द अनदर एंड बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. चूंकि हर जगह पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजिशन पर है, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो करें. नेक्स्ट पॉलीथायोफिन. पॉलीथायोफिन इज फॉर्म बाई इट्स मोनोमर थायोफिन. पेंटागोनल रिंग एंड सल्फर इज हैविंग फोर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज ए रेजिड्यूअल चार्ज. एंड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड एट वन एंड इट गोज बाय अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड एंड इट इन्वॉल्व द रेजिड्यूअल चार्ज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ओवर द सल्फर. बाय दिस वे द थायोफिन और पॉलीथायोफिन वर्क्स एज ए कंडक्टिंग पॉलीमर्स. द नेक्स्ट इज पॉलीएनिलीन. पॉलीएनिलीन इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टिंग पॉलीमर. इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एनिलीन दैट इज C6H5NH2. फर्स्टली इट गेट पॉलीमराइज्ड एंड इट फॉर्म्स ए पॉलीमेरिक चेन विथ डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एंड एन हैविंग वन हाइड्रोजन एटम फॉर द फर्स्ट टाइम आउट ऑफ टू. बट सेकेंडली व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ द बेसिक मीडियम द एच प्लस आयन ड्रॉप डाउन एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स ए लॉन्ग चेन एक्सटेंसिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग पॉलीमर वेयर द चार्ज कैन बी कैरीड आउट फ्रॉम द डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर एज वेल एज द नाइट्रोजन इज हैविंग वन लोन पेयर एज ए रेजिड्यूअल चार्ज. द नेक्स्ट इज सिमिलरली फिनाइलिन वेयर द फिनाल पॉलीमर इज फॉर्म एंड द लास्ट इज पॉलीपायरोल वेयर पॉलीपायरोल इज फॉर्म बाई द पायरोल मोनोमर दैट इज having pentagonal ring and NH. It is just like the thiophene, but here only one pair of electron is available over the nitrogen. But in case of thiophene, the sulfur is having two pairs of electrons. These two are the heterocyclic compounds and they are conducting or behaving as a conducting polymer due to the conjugated structures along with
the residual charges as loan payer. So these are the certain examples of the conducting polymers. Now the next is doped conducting polymers. Doping is a process that is a process through which either p-doped conducting polymers are formed or n-doped conducting polymers are formed. In p-doping, normally iodine supported by carbon tetrachloride is used to create positive holes, positive centers, and as the numbers are increasing, by extracting the electron from the carbon chain, either they are called as polaron if only one positive hole is there, or bipolaron simultaneously. One by one, they are extracting their electron and creating the positive holes. Such type of doped polymers are called as p-doped conducting polymers. Whereas in n-doping, we are taking as a reagent, that is Na plus H5 minus, where the sodium ion and the ring structure is providing electron to the conjugated structure, and that electron forms a negative hole at the carbon-carbon chain. In this way, they further becomes either polaron or bipolaron, so on. Due to creation of positive or negative holes, the polymers becomes conductor, and they are called as doped conducting polymers. Now, what are the uses of conducting polymers? Conducting polymers have been found suitable for microelectronic device fabrication. Among these, polyalanine has emerged as a good conducting polymer. Important applications are in rechargeable batteries as cathode and solid electrode as an alternative to lead acid batteries. Polymeric batteries have high reliability and compact size. In electroluminescence displays such as mobile phones, etc., conducting polymers are used in light emitting diodes, LEDs, electromagnetic shielding. If you want to shield the electromagnetic radiation, you can use the filter of the such type of polymers, and non-linear optics. It is also used in electrochromic displays, smart windows. Smart window means the glasses are made up of such materials which are not allowing to dust to get deposited over it, so they are auto cleaned windows. Optical fibers, solar cells in photovoltaic system or photovoltaics, solar cell banane mein, photovoltaic cell banane mein, in wiring of aircrafts and aerospace components, in telecommunication
and microelectronic devices. They are also used as sensors in chemical, biosensors, etc. These are the important applications are of the conducting polymers. As I have discussed earlier, these are the emerging polymers, future polymers. So, as the number and the quality or properties will improve in such type of polymers, the application will improve and they can be used in other ways also. So, this is all about the conducting polymers. Let us move to the next, that is another polymer which is really important for the sustainable life, that is biodegradable polymers. Due to the extensive uses of polymers, the environment is facing a stress due to the solid waste or the polymers disposed of in the environment. They are creating different type of problems into the environment. Therefore, new segment of polymers has to be synthesized, which must be biodegradable in nature. So, what are the biodegradable polymers? Polymers which are designed to degrade upon disposal by the action of living organisms such as bacteria, fungi, microorganisms are called as biodegradable polymers. It means aise polymer ki agar unhe hum environment mein ya kahin par bhi dispose kar de to wo samay ke saath un par bacteria, virus ya fungus ka attack ho, microorganisms unhe dheere dheere by product mein, inorganic by product mein convert kar de, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इनमें कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे पॉलीमर्स को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं. बायोडिग्रेडेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स. ये वो प्रक्रिया है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉलीमर को च्यू करके धीरे धीरे उन्हें छोटे छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह से पॉलीमर एनवायरनमेंट के लिए जो खतरा बना हुआ है वो कम हो जाता है. दीज पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सच पॉलीमर्स? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर रिन्यूएबल. नॉर्मली दे कैन बी रीफॉर्म, रीजनरेटेड. सस्टेनेबल यानी वो एक ऐसे प्रोडक्ट जो कि सस्टेनेबल लाइफ को कैरी कर सके, सपोर्ट कर सके. नॉन टॉक्सिक यानी वो हार्मफुल नहीं होते, नुकसान नहीं करते. डिग्रेडेबल यानी अगर एनवायरनमेंट में वो चले जाएं तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड नॉन कार्सिनोजेनिक यानी ये कैंसर जनरेटर नहीं होते. ऐसे पॉलीमर्स को biodegradable polymers कहते हैं. Now, the classification of biodegradable polymers. Biodegradable polymers are of two types. One, natural biodegradable polymers and second, synthetic biodegradable polymers. If you see in nature, there are several things given by the nature, they are actually polymers by their nature and they are easily degradable when they are disposed into the environment. For example, protein, different type of proteins, starch, carbohydrate, nucleic acid, wool,
देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर नेचुरली अकरिंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वेन दे आर डिस्कार्डेड इन टू द एनवायरमेंट दे आर इजिली डिग्रेडेड बाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ इट इज सम सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज एंड दे आर फाइंडिंग देयर एप्लीकेशन इन सेवरल वेज. सम एग्जाम्पल्स आर पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीफॉस्फोएस्टर्स, पॉलीविनाइल एल्कोहल एक्सेट्रा. दीज आर द सम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. स्टिल द रिसर्चेस आर गोइंग ऑन टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स. What are the important applications of biodegradable polymers? Number one, in making tissue screw or tissue engineering. Actually, during the rupture of ligament or ligament fracture, the orthopedic surgeon may use such type of materials which are acceptable by the tissues easily and they must be also biodegradable. In cartilage repairing, cartilage are another type of the bones structure which are softer and they are further supported by the biodegradable polymers during the surgery or fracture. In drug delivery systems, there are some polymers like dendrimers. They are finding their application due to their structure and the hollow structure of polymer. They can carry and deliver the drugs at an appropriate position at the cell. So they are working as a drug carrier to deliver in the particular cells. In cosmetic containers, the containers which are generally used for packing up cosmetics, they are also now prepared by the biodegradable polymers. Dental services, dentists are using some biodegradable materials during the dental surgery or repairing of the teeth and the last vascular stents. Vascular stents are generally used to open the blockage in the arteries or the heart blockage. They are also now made up of some biodegradable polymers, and the biodegradable polymers are environmental friendly. So today we have tried to understand two polymers. Number one, that is the conducting polymer, and number two is biodegradable polymer. We'll study further the next two more. One, that is polymer blend and polymer composites in the next lecture. Keep asking questions if you are having any doubt, as well as try to make your notes through the PPT. If there is any problem, kindly write me. I will try to resolve your issues. Thank you. Thank you very much.